कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लूसी होता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल के बाहर खड़ी हुई होती है उसको बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि की तुमकेश होटल के अंदर लेके चली जाओ लेकिन लूसी को उस पर भरोसा नहीं होता और लूसी उससे मना कर देती है उसको बॉयफ्रेंड उसके हाथ में एक हथकड़ी डाल देता है जो ब्रिपकेस से बंधी हुई होती है अब मजबूरी में लूसी को ये ब्रिपकेस होटल के अंदर ले जाना पड़ता है वो रिसेप्शन पे जाती है और मिस्टर चैंग का नाम पूछती है होटल का मैनेजर मिस्टर चैंग को फोन कर है और वो अपने लड़कों को भेजता है उसके लड़के आते के साथ ही लूसी के बॉयफ्रेंड को मार देते हैं और लूसी को अपने साथ जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं लूसी वहां पर बहुत चिल्लाती है लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता वो अपने बॉस मिस्टर मिस्टर चैंग चैंग के सामने लूसी लूसी को ले जाते हैं और मिस्टर लूसी से ब्रिपकेस खोलने के लिए बोलते है लूसी बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है लेकिन वो खोलने से मना कर देती है और मिस्टर चैंग खुद ही उस ब्रिपकेस को खोल देते है उसमें एक ड्रग्स होता है जो बहुत ही ज्यादा रेयर होता है मिस्टर चैंग उस ड्रग्स को टेस्ट करने के लिए एक लड़के को बुलाते हैं वो लड़का जैसे ही टेबल पे ड्रग्स को डालता है और अपनी नाक में एक पाइप लगाकर उसको खींचता है वो आदमी जैसी ड्रग्स लेता है उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और मिस्टर चैंग उसको गोली मार देते है तभी मिस्टर चैंग लूसी से बोलते है लेकिन लूसी मना कर देती और मिस्टर चैंग का आदमी उसको पंच मार के बेहोश कर देता है थोड़ी देर बाद लूसी की आख खुलती है और वो एक रूम में होती है और वो अपने पेट पे एक निशान देखती है जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा था लेकिन लूसी को लगता है कि वो अपने ऑर्गन्स खो चुकी है तभी मिस्टर चैंग के लड़के आते हैं और वो उसको मिस्टर चैंग के पास लेकर जाते हैं है और वो लूसी को बताता है, दिया होता है. मिस्टर चैंग का आदमी उनसे बोलता है की तुम सबको अलग अलग कंट्री में जाकर इस ड्रग्स को सप्लाई करना है चैंग के आदमी उनके मुंह पर एक काला कपड़ा डाल देते है और अपने साथ ले जाते हैं जब लूसी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है उसमें से एक आदमी उनके सामने आता है और वो लूसी को परेशान करने लगता है लूसी उससे उस वो, पे के के वो फट जाता है वो ड्रग्स जैसे ही लूसी के पेट में खुलने लगता है लूसी उसकी वजह से बहुत ज्यादा पागल हो जाती है यहाँ तक की वो हवा में उड़ने लगती है दरअसल वो ड्रग्स लूसी के पेट में घुलने की वजह से लूसी अपने दिमाग को बीस यूज़ करने लगती है तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक प्रोफेसर सैन्य को दिखाया जाता है जो कि एक सेमिनार में लोगों के दिमाग के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं वो लोगों को बता रहे होते हैं कि आज तलक सबसे ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था उन्होंने अपना दिमाग तेरह परसेंट तक यूज किया था बाकी लोगों ने चार से दस परसेंट ही यूज किया है लेकिन सिर्फ दस परसेंट का दिमाग इस्तेमाल करने के बाद ही लोगों ने बड़ी बड़ी चीजों को हासिल किया है दूसरी साइड हमें लूसी को दिखाया जाता है

अब वहां से लूसी एक हॉस्पिटल के अंदर जाती है क्योंकि वो अपने दिमाग को 20 परसेंट यूज कर रही थी इसीलिए उसको सारी भाषाएं आ गई थी वो हॉस्पिटल के अंदर जाकर सीधा ऑपरेशन थिएटर में घुस जाती है वहां पे डॉक्टर एक पेशेंट का इलाज कर रहे होते हैं लेकिन लूसी उसके दिमाग को देखती है और लूसी उसको गोली मार देती है वो डॉक्टर से बोलती है की तुम इसको नहीं बचा पाते फिर वो डॉक्टर से बोलती है की तुम मेरा ऑपरेशन करके मेरे पेट से एक पैकेट को बाहर निकालो डॉक्टर ऑपरेशन करते है और उस पैकेट को लूसी के पेट से बाहर निकाल देते है लेकिन बाहर निकालने से पहले आधा पैकेट लूसी के पेट में घुल चुका था डॉक्टर लूसी को बताते है, वो का नाम है और ये ड्रग्स जब बनता है जब कोई लेडी होती है लेकिन लूसी के अंदर तो पूरा आधा पैकेट घुल चुका था अब उसके साथ में आगे क्या होगा वो डॉक्टर को भी नहीं पता था अब लूसी हॉस्पिटल से बाहर आती है वो एक पेड़ को देखती है जिसकी सारी जड़ें उसको दिखाई दे रही थी वो ये भी देख सकती थी कि पेड़ कैसे काम करते हैं, कैसे सांस लेते हैं, कैसे ऑक्सीजन निकालते हैं। फिर वो मिस्टर चैंग के पास जाकर

प्रोफेसर सैमुअल को कॉल लगाती है वो प्रोफेसर से बताती है, कि मैंने तुम्हारी सारी किताबों को पढ़ लिया है और मुझे से मिलना है, ये सुनके लगते है उनको नहीं था कि उन्होंने और तभी लूसी उनके सामने लाइव वीडियो कॉल पे आ जाती है वो उनसे बताती है की आज तक तुमने छह हजार पेज को लिखा है अब लूसी का दिमाग तीस परसेंट तक यूज करने लगा था अब वो इतनी आगे निकल चुकी थी कि वो दुनिया में सभी फोन्स हैक कर सकती तभी प्रोफेसर का फोन घड़ी सब हैक कर लेती है लूसी प्रोफेसर से बोलती है कि वो उनसे ठीक 12 घंटे बाद मिलेगी अब लूसी पुलिस को कॉल करती है और पुलिस को बताती है कि कैसे वो तीन लोग अलग अलग कंट्री में ड्रग्स लेके जा रहे हैं। पहले तो लूसी की बात पर वो पुलिस ऑफिसर भरोसा नहीं करता लेकिन लूसी तभी पुलिस ऑफिसर के पास वो तीनों लोगों के फोटो भेज देती है अब पुलिस ऑफिसर को उस पर यकीन आ जाता है अब पुलिस उन तीनों को एक एक करके पकड़ लेती है 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 अब लूसी फ्लाइट में बैठी हुई होती है। लेकिन तभी उसका एक दांत टूट जाता है। उसकी बॉडी पूरी तरीके से गलना शुरू हो जाती है वो भाग कर वॉशरूम के अंदर जाती है जहाँ पे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है लेकिन तभी वो बचे हुए उस ड्रग्स को उठाकर खा लेती है उसके बाद वो बेहोश हो जाती है लूसी की जब आग खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होती है। अब लूसी अपने दिमाग का 50 तक यूज़ कर रही थी लेकिन लूसी ने जिस पुलिस ऑफिसर को कॉल किया था उस पुलिस ऑफिसर को लूसी पे शक होने लगता है और वो हॉस्पिटल आ जाता है लूसी को गिरफ्तार करने के लिए लूसी बिना टच के ही बाकी सारे ऑफिसर को बेहोश कर देती है और साथ ही में उस ऑफिसर की गन भी खाली कर देती है दूसरी साइड उन तीनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि उनके पेट के अंदर जो ड्रग्स है वो बाहर निकाल सके लेकिन मिस्टर चैंग अपने आदमियों को लेकर उस हॉस्पिटल में चला जाता है चैंग की ये सब बातें लूसी दूर से ही सुन लेती है क्योंकि वो अपने दिमाग का इतना इस्तेमाल कर रही थी कि वो किसी की भी बात आराम से सुन सकती थी लूसी उस हॉस्पिटल में जाती है और चैंग के सभी आदमियों को हवा में उड़ाने लगती है क्योंकि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल 60 परसेंट कर रही होती है अब वो चैक के आदमियों से पैकेट छीनती है और प्रोफेसर के पास पहुंच जाती है प्रोफेसर के साथ में काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर भी थे लूसी उनको बताती है कि तुम्हें आज तक जो भी पढ़ाया गया है वो सब गलत है अगर दुनिया में किसी भी चीज़ का पता लगाना है तो वो सिर्फ समय कर सकता है अब लूसी उन सबको अपने आप में चेंजेस करके दिखाती है क्योंकि उसने अपनी बॉडी पे पूरा कंट्रोल पा लिया था अब वो अपनी बॉडी के हिसाब से अपनी मर्जी से किसी भी चीज में ढाल सकती थी लूसी वहाँ पे उन डॉक्टर से बोलती है कि वो अपने दिमाग को 100 परसेंट तक यूज करना चाहती है इसीलिए वो उन पैकेट को अपनी बॉडी में डालना चाहती है अब वहाँ पे मिस्टर चैंक और उसके आदमी भी पहुंच जाते हैं अंदर डॉक्टर और प्रोफेसर उन तीनों पैकेटों को लूसी के अंदर डालने के लिए तैयार थे वो लूसी के अंदर सुई लगाते हैं और उस ड्रग्स को लूसी के अंदर चढ़ाना शुरू कर देते हैं लूसी प्रोफेसर से बोलती है कि वो दुनिया की सारी जानकारी एक पेन ड्राइव में डाल देगी जैसे ही वो तीनों पैकेट लूसी के अंदर जाते हैं लूसी की बॉडी एक लिक्विड में ढलने लगती है जो की वहां रखी सारी मशीनों के ऊपर कंट्रोल कर लेता है तीनों ड्रग्स लूसी के अंदर जाते ही वो अपने दिमाग का सौ परसेंट तक यूज करने लगती है चैंग के आदमी उस पर गोलियां लेकिन चली जाती है और दुनिया के सबसे पहले इंसान से मिलती है जो एक बंदर की शक्ल में था लूसी समय में बहुत ज्यादा पीछे जाती है और उसे पता चल जाता है की धरती का निर्माण कैसे हुआ और उसे ये भी पता चल जाता है की इंसानी जीवन बाहर से आया है बाहर से कुछ सेल धरती धरती पर जिसे पर आए जीवन की शुरुआत हुई। वहीं उसके पीछे आ जाता है वो उसको शूट करने वाला होता है लेकिन तभी लूसी से गायब हो जाती है इतने में ही पुलिस ऑफिसर चैंक को शूट कर उसको मार देता है अब लूसी सारी चीजों की एक पेनड्राइव बनाती है और वो प्रोफेसर को दे देती है लेकिन लूसी की पूरी बॉडी गायब हो चुकी थी कोई भी उसको अब देख नहीं सकता था जिसपे पुलिस ऑफिसर पूछता है कि लूसी अब कहाँ है लूसी उसके फोन पे कंट्रोल करके बताती है कि वो सब जगह है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा